जाता है, लड़कियां गाली देती हैं, लेकिन इतना कहकर के मनसूखा चला गया। मैया ने कन्हैया को उकल से बांध दिया, काम काज में लग गई। और इधर भगवान कन्हैया ने वो उखल को गिराया। आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के। भगवान ने उसके बीच में उखल फंसाई, झटका मारा, वो वृक्ष गिरे, उसमें से दो पुरुष निकले। ये दोनों कौन थे पिछले जन्म में? ये पिछले जन्म में नल कुवड़ मणिग्रीव थे। ये दोनों कि दोनों ही कुबेर के बेटा थे। और धनवानी मगरी अभिमानी थे। पिछले जन्म में नल कुवड़ मणिग्रीव थे। ये दोनों मणिग्रीव थे, कैलाश शिखर के वासी थे, शंकर जी के वरदानी थे, लेकिन पैसे वाले थे, लेकिन बहुत बड़े घमंडी थे। एक दिन इन दोनों ने दारू पी, शराब, और माताओं बहनों दारू और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर है। जब दारू अंदर होती है तो बुद्धि बाहर होती है। और बताया गया है इधर और ये मानी सम्मानित राम शंकर दादाजी भाई 151 का हार डाल करके हमारे गले में हमारा हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। कामना करेंगे दादाजी के लिए कि भगवान सदा ही सुख शांति प्रदान करते रहें। यही मेरी भगवान से कामना है। सभी लोग दो बार कहते चले कि मोई ले चल संग लिवाई लंगुरिया। आता है लड़कियां गाली देती हैं,
लेकिन इतना कहकर के मनसुखा चला गया। मैया ने कन्हैया को उकल से बांध दिया, काम काज में लग गई। और इधर भगवान कन्हैया ने वो उखल को गिराया। आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन के। भगवान ने उसके बीच में उखल फंसाई, झटका मारा, वो वृक्ष गिरे, उसमें से दो पुरुष निकले। ये दोनों कौन थे पिछले जन्म में? ये पिछले जन्म में नल कुवड़ मणिग्रीव थे। ये दोनों कि दोना ही कुबे रखे बेटा थे। और धनवानी मगरी अभिमानी थे। दोनों पिछले जन्म में नल कुवड़ मणिग्रीव थे। ये दोनों मणिग्रीव थे, कैलाश शिखर के वासी थे, शंकर जी के वरदानी थे, लेकिन पैसे वाले थे, लेकिन बहुत बड़े घमंडी थे। एक दिन इन दोनों ने दारू पी, शराब, और माताओं बहनों दारू और बुद्धि में बहुत बड़ा बैर है। जब दारू अंदर होती है तो बुद्धि बाहर होती है। और बताया गया है इधर और ये मानी सम्मानित राम शंकर दादाजी भाई, ये 151 का हार डाल करके हमारे गले में हमारा हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। कामना करेंगे दादाजी के लिए कि भगवान सदा ही सुख शांति प्रदान करते रहें। यही मेरी भगवान से कामना है। सभी लोग दो बार कहते चले कि मोई ले चल संग लिवाई लंगुरिया।